हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। योगी ने यहां सभी को जीत का मंत्र दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम योगी की रैली ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है और यही कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन इकट्ठा करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। जबरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा, लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा बह रही है और उसके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने मन में मन बना लिया है, मन में यह रख लिया है कि वोट तो जाएगा सिर्फ कमल के फूल को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। जबरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण कराया है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्वगुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का भी समय हो रहा है, गेहूं कटारी चल रही है, नवरात्रियों का त्यौहार चल रहा है, इसके बाद भी जितना उत्साह था वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक रैली के रूप में रही है और योगी जी ने और अपने मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का संबोधन दिया है उससे भी हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रेरित हैं, बहुत उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 400 पार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।